कई बार क्या होता है, ये जो पाइप मैं ले आया हूँ और नीचे लेके आते हैं, ठीक है, नीचे ला के फिर ऊपर उठाते हैं, तो ऊपर उठाने से फिर ये उसमें एयर आता है, टैप जब खोलेंगे तो उसके साथ एयर आएगा और साथ में प्रेशर में भी दिक्कत आता है, प्रेशर कम होता है, तो नीचे से ऊपर नहीं उठाना है, ऊपर से नीचे लाएंगे तो प्रेशर मेंटेन रहेगा, प्रेशर में कमी नहीं आएगी। तो चलिए मेजरिंग करके दिखा देता हूँ मैं। तो अभी देखिए ये शावर वाला है फैंस, यहाँ से ये इसका जो दूरी है ये 8 इंच है, देख सकते हैं ये 8 इंच है, और यहाँ से देख लीजिए यहाँ से ये भी 8 इंच होना चाहिए। तो चाहे 8 इंच रखें या मतलब आपका जो भी साइज हो, एक बराबर होना चाहिए दोनों का, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 इंच आ रहा है ये भी, देख सकते हैं मुझे थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन 8 इंच है ये। और जो ये वाला है, और ये देख लीजिए इसका 7.5 इंच आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये 7.5 इंच आ रहा है, 7.5 इंच रखा हूँ, इससे कम रखेंगे फ्रेंड्स तो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और ये अभी हिल रहा है, इसको फिक्स करूँगा मैं, तो इससे जो है इसको 7.5 इंच रखना है। और जो ये वाला है फ्रेंड्स, ये एल बैंड जो लगता है जो रेन शावर तक पानी को पहुँचाता है, उसको जो है 8 इंच अभी रखा हूँ मैं, 9 रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 8 से कम नहीं रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि कटिंग भी करेंगे तो भी फिक्स होने में दिक्कत करता है वो, उसका जो नट बोल्ट होता है मिक्सर वाला टाइट नहीं होता है, यहाँ पे जो लगाया जाता है टाइट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो है 8 इंच रखना, 8 से कम नहीं रखना है मैक्सिमम, ये मिनिमम है, 8 से नीचे नहीं जाना है, 8 से ऊपर जाएंगे चलेगा, 9 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए अब मैं दिखा देता हूँ टैंक का कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है, टैंक कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, होल करने के लिए पाइप को गर्म किया हूँ मैं, यहाँ पे एक होल करूँगा ये जो इनपुट है मोटर का, और नीचे करूँगा आउटपुट जो डिलीवरी देगा बाथरूम को पाइप, और एक आगे करूँगा मैं वो ओवरफ्लो के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये मेरा 1/4 इंच का पाइप है, होल हो चुका है पूरा, ठीक है, तो जो आउटपुट है इसमें मैं 1/4 इंच का पाइप लगा रहा हूँ, तो इसलिए 1/4 इंच का GI पाइप है, उससे होल किया हूँ मैं, देखिए होल हो चुका है। और अभी ये फैंस ये मोटर का इनपुट है, तो इनपुट जो है 1 इंच का दे रहा हूँ, तो इसलिए 1 इंच के पाइप से होल किया जा रहा है इसमें, और जो ओवरफ्लो होगा फैंस वो भी 1 इंच ही रहेगा, सिर्फ जो आउटपुट है वो उसको 1/4 इंच किया हूँ, ये हो गया। और अभी ओवरफ्लो वाले करेंगे, तो ये ओवरफ्लो वाला भी हो गया। तो देखिए इस टैंक का कनेक्टर है फेंस, और कनेक्टर में थोड़ा सा टेवलान लगा लेना है ताकि लीक ना करे, और जो इसका होल दिखाई दे रहा है इसको बढ़िया से साफ करना है, पूरा क्लीन करना है ताकि लीकेज ना आए। अभी जो कनेक्टर है सब में मैं टेप्लान लगा लेता हूँ, तो सिर्फ फिट करना बाकी रहेगा। ठीक है, अभी ये टैंक कनेक्ट करने जा रहे हैं हम लोग, और जो ये कटिंग हो रहा है पाइप, ये 1/4 इंच का है, डिलीवरी वाला है, आउटपुट वाला है, जो टैंक से जो है बाथरूम में ले जाएगा पानी को, और ये जो ये है 1 इंच का है, ये मोटर का है, ठीक है। तो देखिए अभी ये कट चुका है, और इसमें इस तरह से टी को लगाएंगे, ठीक है, और तो अब इसमें जो है टी को लगाना है, पहले टी लगाऊंगा, एक को टैंक में कनेक्ट करूंगा और एक को जो है फिर से ऊपर लेके जाना है एयर के लिए, ठीक है। तो एयर का विशेष ध्यान रखना है, एयर जहां से डाउन हो रहा है वहीं पे रखना है, ठीक है, नहीं कि ऐसा कहीं भी लगा दिया तो फिर प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, पानी के साथ हवा निकलेगा और पानी भी कम आएगा, ठीक है। और ये वाला मोटर का है, तो देखिए फ्रेंड्स ये बाल वाल्व है, ठीक है, 1/4 इंच का है, इसमें कनेक्ट करूंगा मैं बाल वाल्व जो है
पानी को बंद करने के लिए, और साथ में यूनियन देना है एनी इमरजेंसी में, ठीक है। तो पहले यूनियन नहीं लगाना है, यहाँ से टैंक से सबसे पहले बाल वाल लगाएंगे ताकि कभी खोलना हो तो टैंक को अलग कर सकते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए ये बाल वाल लग गया है, अभी इसके बाद यूनियन लगाऊंगा मैं। ये यूनियन है, एक 1.25 इंच का है, यूनियन के बाद इसमें कनेक्ट होगा ये। यूनियन है ये, तो यूनियन को खोल के देखना है इसके अंदर का जो वाशर है कि नहीं है, वाशर का ध्यान रखना है नहीं तो पानी लीक करने लगेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अभी यूनियन का वाशर कैसा होता है, इसको लगा लेता हूँ उसके बाद दिखा रहा हूँ। और इसको घुमा देना है फ्रेंड्स, क्योंकि सॉल्वेंट जब लगाते हैं तो इसके अंदर अगर चला जाएगा तो वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको खोल के मैं इसका वाशर दिखा देता हूँ। तो यही यूनियन का वाशर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको ध्यान से लगाना है, गायब नहीं होना चाहिए नहीं तो लीक करेगा। अब इस तरह से इसमें टी में लगा देना है। टाइट कर देना है इसको पूरा बढ़िया से, पाइप रिंच की ज़रूरत नहीं, हाथ से ही टाइट हो जाता है ये। अब ये टाइट हो चुका है, और इसको घुमा के देख लेना है 2-3 बार, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि क्योंकि बाल जो होता है इसके अंदर उसमें सॉल्वेंट ना लगे, ठीक है। इसमें एक बाल टाइप का होता है इसीलिए इसको बोला जाता है बाल वाल्व, ठीक है। गेट वाल्व अलग होता है, तो अभी ये जो है फ्रेंड्स ये मोटर का है, मोटर वाला कनेक्ट करूंगा। आप अभी देखो ये जो दिखाई दे रहा है इसमें कनेक्ट करना है इसको। तो इसमें कनेक्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है। ये मोटर का है फ्रेंड्स, सॉल्वेंट को ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाएंगे तो वो जॉइंट से ही लीक करता है फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा नहीं लगाना है। देखिए ये लग चुका है, टैंक कनेक्ट हो चुका है। देखिए ये इनपुट है जो इसमें पानी आएगा, ठीक है, टैंक में, और जो नीचे वाला है ये आउटपुट है जिसमें बाल वाल दिखाई दे रहा है। और अभी एयर पाइप लगाना बाकी है, उसको जा रहे हैं लगाने हम लोग। और ये जो टैंक है फ्रेंड्स ये 500 लीटर का है, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से सही है। ये एयर पाइप भी मैं लगा दिया हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो एयर पाइप जो है फ्रेंड्स, ये जो देखिए ये टैंक है, टैंक का जो हाइट है इससे 2 फीट ऊपर रखना है, ठीक है। टैंक की हाइट से जो है 2 फीट ऊपर रखना है, तो जो है एयर बढ़िया से काम करेगा, पानी अच्छा देगा और उसमें एयर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जानकारी के लिए इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का वीडियो मिलेगा और एक भी फेक नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स।
फेक वीडियो एक भी नहीं मिलेगा। जो भी जानकारी लेकर आता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ पूरी सही जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो चैनल तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की जानकारी के लिए।